हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का संयोजन। तो देखिए, दो सदिशों को का अगर हमें योग करना हो, उनका परिणामी हमें ज्ञात करना हो कि दो सदिशों के योग करने पर जो हमें मिलेगा तीसरा, वो भी एक सदिश ही होता है, उसका परिणामी हमें ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके दो विधियाँ हैं, एक तो है ग्राफीय विधि। एक तो हो जाएगी ग्राफीय विधि, इसके अलावा दूसरी हो जाएगी गणितीय विधि। तो आज हम लोग करेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि के द्वारा हम लोग दो सदिशों का संयोजन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ फैक्ट्स देखने हैं। सबसे पहला फैक्ट है, किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में बिना परिमाण परिवर्तित किए कहीं भी विस्थापित किया जाए तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, सदिशों के योग से प्राप्त परिणाम भी सदिश होता है, उसे परिणामी सदिश कहते हैं। समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में बिना परिमाण परिवर्तित किए कहीं भी विस्थापित किया जाए तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये कोई कार्तीय निर्देश तंत्र है एक्स वाई में, और यहाँ पर ये कोई सदिश है, और ये कोई दूसरा निर्देश तंत्र है एक्स वाई, और यहाँ पर पहले से कोई एक सदिश विद्यमान है। अगर इस सदिश को ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर अगर ले आए, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही समांतर सदिश में अगर ऐसा का ऐसा हम लोग विस्थापित कर दें तो ये सदिश जो है वो अपरिवर्तित रहता है। आसानी से इस तरीके से हम लोग यहाँ पर विस्थापित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, सदिशों के योग से प्राप्त परिणाम भी सदिश होता है, उसे परिणामी सदिश कहते हैं। किन्हीं दो सदिशों का जब हम लोग योग करेंगे तो प्राप्त जो राशि होगी वो भी सदिश राशि ही होगी, जिसको हम परिणामी सदिश कहते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग किया जा सकता है। इसका मतलब देखो, जैसे दो वेग को योग कर सकते हैं हम लोग, दो
विस्थापन का योग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि विस्थापन और वेग का योग करें हम लोग, ठीक है। यानी कि समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग किया जा सकता है। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नियम पढ़ेंगे, तीन नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश संयोजन के। तो सबसे पहला नियम हम लोग कर रहे हैं त्रिभुज सदिश नियम, त्रिभुज सदिश नियम। तो इस नियम के अनुसार अगर किन्हीं दो सदिशों को, अगर किन्हीं दो सदिशों को बिना परिवर्तित किए, ना तो उसकी दिशा परिवर्तित करनी है ना ही परिमाण परिवर्तित करना है, बिना दिशा और बिना परिमाण को परिवर्तित किए त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में अगर व्यक्त किया जा सके, जैसे कि ये सदिश जो है वो इस तरीके से थे, इस तरीके से था एक, और दूसरा जो है वो इस तरीके से था, तो अगर इस तरीके से हम लोग उनको व्यक्त कर सके, ये P वेक्टर था, ये Q वेक्टर था, तो इनको बिना इनकी दिशा परिवर्तित किए ना परिमाण को परिवर्तित किए बिना त्रिभुज की दोनों भुजाओं क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जो तीसरी भुजा है, ये जो तीसरी भुजा होगी यहाँ पर, ये इनके परिणामी को व्यक्त करेगी विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, क्योंकि देखो ये इस तरीके से पढ़ रहा है, ये इस तरीके से पढ़ रहा है, तो डायरेक्शन ये नहीं होगी, डायरेक्शन जो है वो ये होगी, तो विपरीत क्रम में इनके परिणामी को व्यक्त करेगी ये जो थर्ड भुजा है। तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये R वेक्टर बराबर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, R वेक्टर बराबर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो ये है त्रिभुज सदिश नियम, या त्रिभुज सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। इसके अंदर दो सदिशों के परिणामी, दो सदिशों के योग करने के लिए ये त्रिभुज नियम हम लोग काम में लेते हैं। तो अगर दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो जो तीसरी भुजा है विपरीत क्रम में उनके योग को व्यक्त करती है, या उनके परिणामी को व्यक्त करती है। तो ये हो गया त्रिभुज सदिश नियम। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। अब हम लोग कर रहे हैं एक नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। तो इसके अंदर क्या है, समांतर चतुर्भुज, तो ये हम लोगों ने बना लिया है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करती हो, जैसे कि ओ ये हो जाएगा ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर।
तो समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं वो जिनका जो स्टार्टिंग प्रारंभ बिंदु जो होता है वो एक ही हो, ठीक है। तो ये दोनों हैं आसन भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं अगर दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, ठीक है, दो सदिशों को परिमाण और दिशा में व्यक्त करती हैं, तो उन उसी बिंदु से स्टार्ट होने वाला वाला विकिरण जो है उनके परिणामी को व्यक्त करेगा, यानी कि ये जो विकिरण होगा ये इनके परिणामी को व्यक्त करेगा। आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप लोग साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके फिर नोट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो नियम हैं ये तो हो गए कि अगर दो सदिशों का योग करना हो तो इनकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे सदिशों का योग करना हो तो उसके लिए है यहाँ पर बहुभुज का नियम। तो इस नियम के अनुसार अगर बहुत सारी भुजाएं हों, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सदिशों को अगर हमें जोड़ना हो तो हम बहुभुज के नियम के द्वारा करते हैं कि अगर सदिशों को एज इट इज जैसे वो हैं वैसे ही बिना उनके परिमाण को परिवर्तित किए, बिना दिशा को परिवर्तित किए, बहुभुज की भुजाओं आसन्न भुजाओं के रूप में अगर व्यक्त किया जा सके तो जो अंतिम भुजा होगी वो उनके परिणामी को व्यक्त करेगी, विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करेगी। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये एक सदिश है पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये एस वेक्टर और ये टी वेक्टर, ठीक है, सदिश है। इसको यहाँ पर इसको आप कोई दूसरा नाम दे देते हैं, इसको एम वेक्टर नाम दे देते हैं और ये परिणामी जो है वो आर वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट से इसलिए इसको आर से परिणामी को आर से व्यक्त करते हैं। तो देखो अगर इसको एक त्रिभुज बना देते हैं तो त्रिभुज के नियम से ये और ये दोनों क्रमागत भुजाओं का योग, ठीक है, तो वो तीसरी भुजा के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये जो आएगा यहाँ पर ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। फिर से इसको एक त्रिभुज बना देते हैं तो यहाँ पर इस भुजा और इस भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एम वेक्टर। फिर से इसको हम एक त्रिभुज बना देंगे तो ये प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर पी वेक्टर
प्लस क्यू वेक्टर प्लस एम वेक्टर प्लस एस वेक्टर, फिर इस भुजा का और इस भुजा का योग इस तीसरी भुजा के बराबर, तो यहाँ से ये हमारे पास परिणाम ही आ जाएगा, आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एम वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो ये जो अंतिम भुजा होती है ये इन सब के परिणामी को व्यक्त करती है। तो जितनी भी हमें सदिश जोड़ने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भुजा ले लेते हैं। कम सदिश होता है तो कम भुजा ले लेते हैं और ज़्यादा सदिश होते हैं तो ज़्यादा भुजा ले लेते हैं। अब इसके स्टेटमेंट को भी लिख लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग बहुभुज नियम का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यानी कि कथन लिख सकते हैं। तो आज के ग्राफीय विधि में हमारे तीनों जो नियम हैं वो हो चुके हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग गणितीय विधि में पूरा डेरिवेशन करके इनके परिणामी को ज्ञात करेंगे, सदिश का परिणामी देखेंगे, दो सदिशों का योग करेंगे, बट वो गणितीय विधि से करेंगे। ग्राफी विधि आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके तीनों नियम हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे के क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।